सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी, वेरी फेमस होम्योपैथिक रेमेडी। आज बात करेंगे डमियाना की, डमियाना इन क्यू फॉर्म। ठीक है, ये जो डमियाना क्यू है, आप मानेंगे इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड इट्स अ वेरी कॉमन नेम नाउ आजकल, जैसे ना इट्स एन हाउस होल्ड नेम। और इसके साथ लिंक्ड कुछ ना डाउट्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो आज क्लियर करेंगे। डमियाना क्यू की इसकी यूजेज, इसका यूज़ इतना है, इसका मिसयूज भी हो रहा है दोस्तों। देर आर न्यूमरस कंपनीज ब्रिंगिंग डिफरेंट फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग डमियाना। तो जहाँ भी जैसे ना किसी मेल्स में अगर सेक्शुअल वीकनेस रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी के केसेस हैं, तो देर इज़ कॉमन टेंडेंसी कि हाँ, पेशेंट्स जैसे क्लिनिक में बोलते हैं ना कि सर डमियाना तो लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ देर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एंटर दिस, क्योंकि दिस क्वेश्चंस द कैपेबिलिटी ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी, द पावर ऑफ दिस रेमेडी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है डमियाना का। आज कुछ इसी प्रकार के डाउट्स क्लियर करेंगे और क्लियर इन सिंपल वर्ड्स आई विल स्पीक आउट कि ये कहाँ यूज़ करना है, इसका कहाँ मैजिकल रिजल्ट देखने में आता है। ठीक है, बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ एंड न्यूमरस डाउट्स विल बी क्लियर्ड। इम्पोटेंसी एज सच इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, है ना, लेकिन जो मेल्स में दिक्कतें रहती हैं, जो बहुत ही कॉमन समस्याएं देखने में आती हैं, देट आर रिलेटेड टू सेक्शुअल वीकनेस, सो वी कैन पिन पॉइंट कि हाँ, देर इज प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, और सम देर देर सम अदर अंडरलाइंग सेक्शुअल वीकनेस काइंड ऑफ सिम्टम द पर्सन इज फेसिंग, है ना। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, द अंडरलाइंग कॉज हैज़ टू बी अंडरस्टूड, जो कारण है, जब तक अंडरलाइंग रूट कॉज जब तक रिमूव नहीं होगा, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करने का इट वॉन्ट लास्ट फॉर लॉन्ग, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज, कि वो कारण क्या है जिस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्चुअली डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस सो मेनी रीजंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द अंडरलाइंग कॉज कुड बी अ डायबिटिक केस, है ना, कोई डायबिटीज़ का पुराना क्रॉनिक डिजीज अंदर पनप रहा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिस वजह से अंदरूनी कमजोरी रह रही है, सेक्शुअल वीकनेस, इट कैन लीड टू वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा, देन देर आर सर्टन मेडिकेशंस, एलोपैथिक मेडिकेशंस ले रहे हैं पेशेंट्स फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, विच कैन लीड टू इम्पोटेंसी एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, नो दोज कुड बी अ बीटा ब्लॉकर, दोज कुड बी अ डायूरेटिक, दोज कुड बी इन केसेस ऑफ जैसे ना हाई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से है, सो अंडरलाइंग कॉज हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, कई बार ना इमोशनल इम्बैलेंस रहता पेशेंट के अंदर, देन एंटी एंगजाइटल ड्रग्स हैं, कई लोगों में एंटी कन्वलेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, दौरे पड़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सो देर आर न्यूमरस सच फैक्टर्स जिनके साइड इफेक्ट्स जो मेडिसिन की हैं, दे कैन लीड टू इम्पोटेंसी इन अ मेल। अच्छा, देन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, दैट कैन बी वन। देन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, कई बार कुछ भी नहीं रहता ना तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल भी रहता, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, देर इज नो एक्सरसाइज, देर इज नो योगा, देर इज नो मूवमेंट, दैट कैन ऑल्सो लीड टू इम्पोटेंसी। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज द सर्टन यंगस्टर्स, जिसमें देखा गया है एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्मोकर्स हैं, या एडिक्शन है किसी इंटॉक्सिकेंट के प्रति, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, सो दीज कुड बी अनदर पॉसिबल रीजन्स दैट कैन लीड टू इम्पोटेंसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द एंटिसिपेशन एंगजाइटी, जैसे ना बिफोर परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट, तो उस समय भी ना एक जैसे एंटिसिपेशन रहती है कि दिस परफॉर्मेंस हैज़ टू बी अप टू द मार्क। नाउ वो अगर बैक ऑफ माइंड में चलता रहा तो द परफॉर्मेंस विल नॉट बी अप टू द मार्क, सो दैट इज एंटिसिपेशनल एंगजाइटी। नाउ दैट कैन लीड टू, अगेन इट कैन लीड टू ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और रिलेटेड सेक्सुअल वीकनेस रहेगी ऐसे केसेस में। लेकिन आपने देखा दोस्तों, अलग अलग कॉजेज हैं, अलग अलग रीजंस हैं। अच्छा, इसमें ना इसमें भी केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सो दैट वी कैन पिन पॉइंट द एग्जैक्ट होम्योपैथिक रेमेडी विच विल वर्क वंडर्स हियर।
खैर विल रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू जमियाना पर्टिकुलरली। आइए मैं आपको ना बिल्कुल सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ जमियाना विल प्ले अ मैजिकल रोल। अनडाउटेडली जो सबसे प्रमुख सिम्टम उभर के आता है फॉर जमियाना पेशेंट्स, ठीक है, उसमें द मेन प्रॉब्लम दैट पेशेंट फेसेस इज दैट ऑफ सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया। नाउ एक्चुअली न्यूरोस्थीनिया इज वर्ड फ्रॉम द ओल्ड टर्मिनोलॉजी, इसको हम न्यूरोसिस का नाम दे सकते हैं। लाइक इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच कंटेन्स लाइक द क्रॉनिक मेंटल एंड फिजिकल फटीग सिम्टम्स, इसमें सर इकट्ठे ग्रुप टुगेदर वी कैन कॉल इट न्यूरोसिस। अच्छा, इसमें सेक्सुअल एरिडिज्म इज द राइट टर्म आई वुड से। इसमें क्या रहता है दैट कि ना एक ना इनसेंसिटिविटी रहती है ऑफ द ऑर्गन टू स्टिमुलेशन, सो दैट कंप्राइज ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोमिनेंट सिम्टम दैट इज सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कॉज इज इम्पोटेंसी। नाउ इन दिस केस ऑल्सो जैसे मैं बोला ना ब्रॉड, बहुत ब्रॉड टर्म रहता है, बेसिकली अनएबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट अप टू द मार्क। अच्छा, इसमें भी अंडरलाइंग कॉजेज कैन बी न्यूमरस, जैसे शुरू में मैंने डिस्कस किए ना जो इतने कॉजेज हैं, सो वो केस टेकिंग के दौरान सामने आएंगे व्हाट इज द रियल कॉज दैट इज लेड टू इम्पोटेंसी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम नर्वस प्रोस्टेशन। अब इसमें ना नर्वस प्रोस्टेशन रहती है, जैसे शारीरिक और मानसिक थकान ज़्यादा रहती है विच लीड्स टू सेक्सुअल वीकनेस, वहाँ हम डमियाना देंगे। इनकॉन्टिनेंस ऑफ ओल्ड पीपल, बुजुर्गों में देर इज अनकंट्रोल्ड रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अंदरूनी वीकनेस विद एडवांसिंग एज वो हो सकती है, बिकॉज ऑफ सम इंजरी वो हो सकती है, वहाँ हम डमियाना दे सकते हैं। अच्छा, पुरुषों में ना धात का रोग भी हो जाता है, ये धातु रोग कहते हैं इसको, दैट कैन लीड टू सेक्सुअल वीकनेस इन मेल्स, और अगर ये क्रॉनिक होता जाए दिस प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज इट विल लीड टू सेक्सुअल वीकनेस, अंदरूनी कमजोरी रहेगी रहेगी, और पर्टिकुलर फॉर इफ दिस इज द रीजन फॉर दैट जमियाना कैन बी गिवन। म्यूकस मेम्ब्रेन्स में कहीं कटार रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल द सिस्टिक कटार, जहाँ रीनल सिस्ट कह सकते हैं हम, जहाँ किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, फॉर दैट ट्रीटमेंट इट्स अ को प्रिस्क्रिप्शन, जमियाना विल वर्क हियर। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द फ्रिजिडिटी ऑफ फीमेल्स। महिलाओं में भी कई बार देखा गया देर इज लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, जैसे कि ना द हीट इज़ मिसिंग, द वॉर्म्थ इज़ मिसिंग, मतलब शरीर जैसे ठंडा पड़ा है, देर इज़ नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्ट बाय इन द फीमेल्स, तो वहाँ हम डमियाना क्यों दे सकते हैं। अच्छा, इन यंग गर्ल्स में जैसे अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, नाउ डमियाना विल एड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन यंग गर्ल्स, वहाँ डमियाना हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। देखिए दोस्तों, डमियाना इज़ ऑल्सो होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है, तो ये जो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, जो उसका दायरा है काम करने का, ठीक है, तो वो भी इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दीज वेरी पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को और डमियाना क्यू प्रॉपर डोज में दिया जा रहा है, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 months टू सी द रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट्स pertaining to these symptoms particularly, ठीक है, जो underlying cause है केस टेकिंग दीजिए, डमियाना कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड विद अदर मेडिसिन एज वेल टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अनडाउटेडली डमियाना इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन इन केसेज ऑफ ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन एंड इन जनरल सेक्शुअल वीकनेस, वहाँ ये बहुत ही बेहतरीन टॉनिक का काम करती है टू इम्प्रूव द सेक्शुअल एक्टिविटी इन मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली। तो दोस्तों, डमियाना क्यू को जरूर यूज़ करें, बट कीपिंग माइंड द एसोसिएटेड सिम्टम्स, इसका जो लिंक्ड सिम्टम्स है वो माइंड में रखें, एंड यू कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। दोस्तों, ऐसा कोई और डाउट है आपके मन में या कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, डोजेज की बात करें तो इन जनरल केस ऑफ सेक्सुअल वीकनेस इम्पोटेंसी केसेज ईडी की केसेज में स्टार्ट विद डमियाना क्यू 20 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी, जस्ट 1/4 cup ऑफ वाटर, ठीक है, दिन में 3 बार दें कम से कम, एंड फ्रॉम फॉर 2 to 3 months रेगुलर, 2 to 3 महीने लगातार कीजिए। अगर अंडरलाइन कॉज जैसे धात का रोग है जिस वजह से समस्या लग रही है, इफ़ यू बिगिन विद 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, लेकिन एज द सिम्टम्स इंप्रूव यू कैन रिड्यूस द डोज टू 10 ड्रॉप्स, अगेन कंटिन्यू फॉर 2 to 3 months टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और अगर फीमेल्स रिलेटेड जो इंडिकेशंस हमने डिस्कस किए हैं उन केसेस में भी द एग्जैक्ट डोज कैन बी 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार।
तो दोस्तों बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कुछ और ऐसे वीडियोस लेके आएंगे, आपके कई डाउट्स हैं कोई मिसकंसेप्शन से दूर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग एज यूजुअल एंड ब्रिंगिंग टू यू द हिडन बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।